क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी संभव है? हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद अगली बार स्वस्थ गर्भधारण संभव है, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको कई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान या इलाज के समय महिला का फेलोपियन ट्यूब को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचता है, तो दोबारा गर्भधारण से पहले महिलाओं को प्रजनन विशेषज्ञ से इसकी जांच करवानी चाहिए, ताकि दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का खतरा को कम किया जा सके। और अगर महिला की एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सर्जरी गंभीर ना हुई हो, तो आमतौर पर डॉक्टर 3 से 6 महीने के अंतराल के बाद ही दोबारा गर्भधारण की अनुमति देता है। अगला सवाल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होता है? कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं की जानकारी नहीं होती है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी उनमें से एक है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा होते हैं, इसीलिए इसके होने का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अधिकतर एक्टोपिक प्रेगनेंसी गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में ही होती है। हो सकता है कि आपको ये पता ना हो कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप किसी भी तरह की समस्या को नोटिस ही ना कर पाए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण में पेट खराब होना, उल्टी, हल्की ब्लीडिंग या तेज ब्लीडिंग, पेल्विक हिस्से में दर्द, पेट में तेज अठन, चक्कर आना या कमजोरी, बहुत ज्यादा पसीना आना, त्वचा का पीला होना या फिर शरीर के एक हिस्से में दर्द हो सकता है। अगला सवाल, प्रेगनेंसी में कितनी बार अल्ट्रासाउंड होता है? नॉर्मली प्रेगनेंसी में 2 अल्ट्रासाउंड करने का सुझाव दिया जाता है। पहला अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था की पहली तिमाही में किया जाता है, जबकि दूसरी अल्ट्रासाउंड दूसरी तिमाही में आखिरी चरण में होता है। अगला सवाल, योक्सेक एंड फिटल पोल इज नॉट सीन, मतलब क्या होता है? योक्सेक एंड फिटल पोल इज नॉट सीन का मतलब यह है कि आपका बच्चा अभी अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आप कुछ हफ्तों के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड यानी USG करवाए या फिर ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में फिटल पोल दिखाई नहीं देता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि आपके अनुसार आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक की हो रही हो, लेकिन एग्जैक्ट में आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 7 वीक की पूरी ना हुई हो। आप परेशान ना हो, जब आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे तो हो सकता है कि तब तक आपका फिटल पोल योक्सेक दिखाई देने लगे। अगला सवाल, गर्भपात के बाद कितने दिन आराम करना चाहिए? गर्भपात होने के बाद महिलाओं को 15 से 30 दिन तक पूरा आराम करना चाहिए और 1 महीने तक शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगला सवाल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से खुद को बचाए कैसे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन कुछ तरीकों की मदद से इसके खतरे को कम किया जा सकता है। ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्स ना करें और यौन संक्रमित रोग एवं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से बचने के लिए कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें, और अगर सिगरेट पीती है तो वो भी बंद करें। फ्रेंड्स, अगले सवाल के जवाब को जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और बचे हुए सवाल के जवाब को जरूर जान लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।